सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्री फायर के टॉप 8 मोस्ट रेयर इलाइट पासेस। और अगर आपको लग रहा है इस लिस्ट के अंदर मैं आपको सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक के इलाइट पासेस दिखा दूंगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। आज मैं आपके लिए फ्री फायर के टॉप 8 सबसे बेस्ट इलाइट पास ढूंढ कर लाया हूं, क्योंकि अब तक के फ्री फायर के अंदर आने वाले सबसे अच्छे इलाइट पासेस हैं और उनकी तरह अभी तक फ्री फायर के अंदर कोई भी इलाइट पास नहीं आया। तो आज हम लोग पूरे 8 इलाइट पासेस देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 से, फिर जाते रहेंगे टॉप 1 तक। क्या आप लोग गेस कर सकते हो आखिरकार टॉप 1 पे कौन सा इलाइट पास हो सकता है? चलो फिर वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो यहां से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे बेस्ट इलाइट पास नंबर 8 के साथ। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 8 पर जो इलाइट पास आता है वो हमारा सीजन 19 का गोस्ट पायरेट वाला इलाइट पास, जो कि ज्यादा पुराना तो नहीं है और शायद आप में से बहुत सारे बंदों के पास ये वाला इलाइट पास होगा। अभी आप लोग भी सोच रहे ये वाला इलाइट पास तो ज्यादा पुराना नहीं है, तो आखिरकार इसको मैंने नंबर 8 पर क्यों रखा? तो गाइस मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग उस टाइम पे फ्री फायर खेलते थे तो आपको पता होगा उस टाइम पे फ्री फायर के अंदर जितने भी इलाइट पास आ रहे थे सभी एकदम बेकार थे। लेकिन तभी एकदम से ये वाला इलाइट पास आता है जो क्या सभी इलाइट पास से बहुत बढ़िया था, और इस इलाइट पास के अंदर चीजें मिल रही थी ना वो भी काफी बढ़िया थी। जैसे कि इस इलाइट पास के अंदर एक इमोट मिल रहा था, वाला इमोट काफी फेमस भी और काफी अच्छा भी, और इन चीजों के अलावा भी इस इलाइट पास का जो मेन बंडल था जिसको शायद अभी आप लोग अज्जू भाई वाला बंडल भी बोलते होगे, वो भी यार बहुत ही ज्यादा ओपी था। मतलब इस बंडल के अंदर जितनी भी चीजें थी लाइक इसका हेड, इसका मास्क, इसका शर्ट, सभी चीजें एकदम ही ओपी थी, और अगर आप लोग इसको किसी भी ड्रेस पर लगाते तो गाइस इसका एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता, और शायद इसी वजह से ये इलाइट पास आता है हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 8 पर। जैसे गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास ये वाला इलाइट पास है, और अगर है तो आप लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि आपके पास भी फ्री फायर का एक रेयर इलाइट पास है। तो चलो आगे की इलाइट पास भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यार उससे पहले गाइस आज मैं आपको बिनोमो के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है। बिनोमो के जरिए आप लोग मंथली 30,000 तक यानी डेली 1,500 रुपए तक कमा सकते हो। इसमें ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ये देखो मैंने 2,500 रुपए से फोरकास्ट किया है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, और इसे आप लोग ओनली 350 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो गाइस आपको मिलेंगे 65,000 रुपीज अपने डेमो अकाउंट में। ओ यस, देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। अर्निंग अमाउंट को आप 24 घंटे में अपने बैंक या फिर पेटीएम के जरिए विड्रॉ कर सकते हो, पर ध्यान से क्योंकि फोरकास्ट गलत होने पे लॉस भी हो सकता है। और मेरे प्रोमो कोड से आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा यानी 400 का 800। डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऐप और एक्सटेंडिंग स्टार्ट करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं तो बिनोमिस्ट हूँ, क्या आप भी हो? तो चलो गाइस अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं फ्री फायर का बेस्ट इलाइट पास नंबर 7। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 7 पर जो इलाइट पास आता है वो है हमारा सीजन 7 का पायरेट इलाइट पास। अब ये वाला जो इलाइट पास है वो काफी पुराना इलाइट पास है, लेकिन तब भी मैंने इसको नंबर 7 पे रखा है। तो गाइस आप लोग खुद सोच लो इसके बाद जो इलाइट पास आने वाले हैं वो कितने ज्यादा अच्छे होंगे और कितने रेयर होंगे। सो हमारा ये वाला जो इलाइट पास था उसके अंदर हमें जैकेट मिल रही थी जो कि दिखने में काफी ओपी थी और अभी के टाइम में काफी रेयर भी है। 110 बैजेस क्लेम करने पे हमें मिल रहा था ये फीमेल वाला बंडल जो कि पायरेट थीम पे बेस्ड था, और ये वाला बंडल भी काफी ओपी था। अब ये वाला इलाइट पास और भी ऊपर आ सकता था अगर फ्री फायर वाले इसके अंदर कुछ और अच्छी चीजें दे देते। वैसे इस इलाइट पास के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी थी जैसे कि इसका बैकपैक, और इसके अलावा इसके अंदर एक कार की स्किन भी थी, और फिर सबसे लास्ट में था हमारा मेल वाला बंडल। अब इस बंडल के अंदर ना सिर्फ दो चीज अच्छी थी, एक तो इसका हेड और दूसरा इसकी जैकेट, बाकी पैंट और शूज इतने कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यार ये वाला इलाइट पास भी हमारा फ्री फायर का काफी अच्छा इलाइट पास था। तो गाइस अभी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप में से कितने बंदों के पास ये वाला इलाइट पास है। और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे बेस्ट इलाइट पास नंबर 6 के बारे में। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 6 पे जो इलाइट पास आता है वो हमारा सीजन 8 का इंपल्सिव शॉक इलाइट पास। अब ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसके अंदर कोई ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैनर था वो सीजन 7 के इलाइट पास का दिख रहा था, लेकिन ये एक्चुअली सीजन 8 का इलाइट पास है। और शायद ये जो इलाइट पास है फ्री फायर के जितने भी नए प्लेयर्स हैं उनका फेवरेट होगा, क्योंकि यार ये वाला इलाइट पास ना सच में बहुत ओपी था। इसके अंदर जितनी भी चीजें मिल रही थी लाइक सर बोर्ड, पैराशूट, बैकपैक, ये सभी चीजें एकदम नेक्स्ट लेवल थी। और इस इलाइट पास के अंदर एक ब्लू कलर की बाइक की स्किन भी थी जो कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा ओपी लगी थी, और सिर्फ इसी बाइक की वजह से मैंने इस इलाइट पास को लेने की भाई इतनी कोशिश करी थी, लेकिन डायमंड ना होने की वजह से इस इलाइट पास को मैं नहीं ले पाया था। और यहाँ पर आप लोग इस इलाइट पास का मेल वाला बंडल भी देख सकते हो, पूरा बंडल बहुत ज्यादा ओपी था और पहले मेरा फेवरेट भी था। आज से लगभग 3 साल पहले मैं इस वाले इलाइट पास को सबसे रेयर मानता था। एनीवेज आप लोग बताना गाइस आपको ये वाला इलाइट पास कैसा लगा। और अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा बेस्ट इलाइट पास नंबर 5। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 5 पे जो इलाइट पास आता है वो है हमारा सीजन 3 का स्कल इलाइट पास, जो कि हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इलाइट पास है। अब इस इलाइट पास के अंदर यार काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें थी जैसे कि इसकी जैकेट और इसका एवटर। ये 35 बैजेस पे जो एवटर मिल रहा था ना भाई मेरा सबसे फेवरेट है, और बहुत सारे यूट्यूबर भी है जो कि इस एवटर को यूज करते हैं। अब ये वाला जो हमारा इलाइट पास है ना इसको मैं नंबर 4 या नंबर 3 पर भी रख सकता था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रेयर चीजें जैसे कि फायर वाली सर्व बोर्ड भी थी, ये अब तक की फ्री फायर की सबसे बेस्ट सर्व बोर्ड है। लेकिन इस इलाइट पास के अंदर बस एक कमी थी जो कि था इसका मेन बंडल। इस इलाइट पास का जो मेल वाला बंडल है उसकी आप लोग कोई भी चीज बना लो वो किसी भी ड्रेस कॉम्बिनेशन के अंदर अच्छी लगती ही नहीं है। अगर इस इलाइट पास को पूरा पहना जाए तब तो ये इलाइट पास सही है, लेकिन इसके साथ में हम लोग किसी और ड्रेस को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत बुरी लगती है, वरना तो ये इलाइट पास भी हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट इलाइट पास था। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपके पास भी ये वाला इलाइट पास है या फिर नहीं। और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे बेस्ट इलाइट पास नंबर 4 के बारे में। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 4 पे जो इलाइट पास आ
आता है वो है सीजन 7 का स्टीम पंक इलेट पास, जिसको बहुत सारे बंदे बॉर्न टू किल वाला इलेट पास भी बोलते हैं, क्योंकि इस इलेट पास का जो मेन बंडल है उसको बॉर्न टू किल यूज करता है। और इस इलेट पास को इतना ऊपर रखने का बस एक ही रीजन है, वो है इस इलेट पास के अंदर मिलने वाली चीजें। लिटरली इस इलेट पास के अंदर जितनी भी चीजें मिली थी सभी बढ़िया थी, चाहे आप लोग ग्रेनेड ले लो, बैकपैक ले लो या फिर बंडल ले लो, सभी चीजें एकदम ओपी थी। और ये फ्री फायर का पहला ऐसा इलेट पास था जिसके अंदर सबसे पहली बार इमोट आया था। इससे पहले जितने भी इलेट पास आते थे उनके अंदर इमोट नहीं होता था, लेकिन इस इलेट पास के अंदर चिकन डांस वाला इमोट था। और इसके अलावा इस इलेट पास का जो मेन बंडल था ना भाई, वो भी एकदम ओपी है। इस वाले बंडल को बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स यूज करते हैं, और ये वाला बंडल भाई मुझे भी काफी अच्छा लगता है। ऐसे गाइस, ये जितने भी पुराने इलेट पासेस हैं, अगर ये रिटर्न आते हैं तो क्या आप लोग भी इन इलेट पासेस को निकालोगे, ये बात आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। फाइनली गाइस, यहां तक हम लोगों ने अपने 5 इलेट पास तो कवर कर लिए, अभी बाकी है बस लास्ट के 3 मेन इलेट पासेस। तो चलो फिर मैं आपको सारे इलेट पास दिखाता हूं, लेकिन यार उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो चलो फिर मैं आपको दिखाता हूं हमारे फ्री फायर का बेस्ट इलेट पास नंबर 3। तो गाइस हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 3 पर जो इलेट पास आता है वो है हमारा सीजन 4 का इलेट पास, जो कि एक रॉयल थीम पे बेस्ड था। और ये इलेट पास फ्री फायर का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट इलेट पास है, क्योंकि ये वही इलेट पास है जिसके अंदर फ्री फायर का सबसे रेयर स्कार्फ मिल रहा था, जो कि था एशियंस का। और इसके अलावा भी इस इलेट पास के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें थी, जैसे इसका लूट क्रेट। ये लूट क्रेट फ्री फायर कब तक का सबसे बेस्ट लूट क्रेट। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक जैकेट मिल रही थी, उसके साथ में एक और पैंट भी थी जो कि दिखने में काफी सही थी, और साथ में एशियंस कार भी था। तो अगर हम लोग सबको एक साथ लगाए तो एक पूरा बंडल जैसा लगता था, लेकिन ये इलेट पास का मेन बंडल नहीं था। इलेट पास के अंदर एक अलग सा मेन बंडल दे रखा था, मतलब इस वाले इलेट पास के अंदर भाई दो दो बंडल मिल रहे थे। तो इससे अच्छी बात तो यार क्या ही हो सकती। तो आप लोग देख सकते, ये वाला जो बंडल था ये था इलेट पास का मेन बंडल, लेकिन यार ये वाला बंडल मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इसको हम लोग अलग करके नहीं पहन सकते, ये पूरा एक सेट था। लेकिन 155 पे जिस पे चीज मिल रही थी, जो कि था हमारा एशियंस का, वो इस इलेट पास की सबसे बेस्ट चीज, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी के टाइम में ये वाला स्कार्फ कितना रेयर हो चुका है। और इसके अलावा ये इलेट पास काफी पुराना भी है, मतलब ये कम बंदों के पास होगा। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको सीजन 4 का इलेट पास कैसा लगता है। और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे बेस्ट इलेट पास नंबर 2 के बारे में। तो गाइस हमारे लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे जो इलेट पास आता है वो हमारा सीजन 1 का सकुरा इलेट पास, जो कि लिटरली यार मेरा फेवरेट इलेट पास है, लेकिन तब भी यार ये टॉप 1 पे नहीं है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इलेट पास देखते हैं। तो गाइस लिटरली यार ये वाला इलेट पास फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट इलेट पास था, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, ये फ्री फायर का सबसे पहला इलेट पास था और बहुत ही कम बंदों ने इसको लिया था, इसका मतलब ये काफी रेयर है। और ये वही इलेट पास था जिसके अंदर हमें सकुरा बंडल और भी बहुत सारी रेयर चीजें मिल रही थी। और ये वाला इलेट पास बाकी सारे इलेट पास से एकदम ही अलग था, क्योंकि बाकी सारे इलेट पास में हमें जो मेल का बंडल होता है वो एकदम लास्ट में मिलता है, लेकिन इस वाले इलेट पास के अंदर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो मेल बंडल था उसका एक एक आइटम मिल रहा था, पूरा बंडल एक साथ नहीं मिल रहा था। आप लोग देख सकते हो 25 बैचेस क्लेम करने में मिल रहे थे सकुरा बंडल की शूज, उसके बाद में थोड़ा और बैचेस क्लेम करने के बाद में मिल रही थी सकुरा बंडल की पैंट, और फिर आगे शर्ट और इसका मास्क भी मिल रहा था। और इस इलेट पास के अंदर सकुरा बंडल और उसका जो बैकपैक था उसके अलावा ज्यादा कुछ अच्छा तो नहीं था, लेकिन तब भी इलेट पास के अंदर सकुरा बंडल था तो भाई इसका टॉप 2 पर आना तो बनता है। चलो गाइस यहां तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे इलेट पास कवर कर लिए हैं, बस लास्ट का एक इलेट पास बचा है। तो गाइस शायद आप लोगों ने अभी तक गैस कर ही लिया होगा कि वो इलेट पास कौन सा होने वाला है। तो चलिए फिर मैं आपको वेट नहीं कराता हूं, मैं आपको इलेट पास के बारे में बता देता हूं। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे जो इलेट पास आता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हिप हॉप इलेट पास है, जो कि फ्री फायर का सेकंड इलेट पास है। और इस इलेट पास को नंबर 1 पे रखने के बहुत से रीजन है। चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।